हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं संतोष दोषी, ईस्टर्न फार्म्स दुबई। आपको मैं एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ। थोड़ा कंफ्यूजन था कि 14 मई को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वीट का बैन, यानी गेहूं का बैन का न्यूज था, तो सारे लोग पैनिक हो गए थे कि वीट के साथ क्या क्या बैन है। तो उसके बाद थोड़ा टाइम के बाद दूसरा एक न्यूज आया कि जो यूएई गवर्नमेंट का था, ये शायद 14 या 15 जून को आया था, कि जिसमें उन्होंने एसएमएस दिया था कि एक्सपोर्ट ऑफ वीट फ्लोर इज बैन, एंड दैट इज एक्चुअली एक्सपोर्ट ऑफ वीट फ्लोर री एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम दुबई, ऐसा था। तो सारे एक्सपोर्टर थे वो कंफ्यूज हो गए थे कि भारत से जाने वाला वीट फ्लोर या मैदा है वो एक्सपोर्ट बैन हो गया है। तो ऐसा नहीं है, एंड दिस इज गुड न्यूज फॉर एवरी मैदा और वीट फ्लोर मैन्युफैक्चरर कि ये सिर्फ दुबई से री एक्सपोर्ट और वहां से एक्सपोर्ट करने के लिए बैन है। तो एग्जैक्टली ये न्यूज क्या थी, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। देखिए, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज ऑर्डर्ड अ फ्लोर सस्पेंशन इन एक्सपोर्ट and re-export of wheat and wheat flour originating from India, the world's second biggest producer of grain, state news agency WAN said on Wednesday, the 14th of the June. The Gulf Nation Economy Ministry cited the interruption to global trade flows as the reason for its move, but added that India had approved export of wheat to UAE for domestic consumption and same for the maida and wheat flour. So it is good news for exporters, and don't be a panic and do more and more export to everywhere in Dubai. Thank you.